दोस्तों आज की वीडियो में आपको जानकारी देंगे सरायगढ़ जंक्शन से फारबिसगंज के बीच में जो है ए टू जेड जो भी स्टेशन आता है यह सब इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सरायगढ़ जंक्शन जो है बिहार में आता है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल जोन, जिसका डिवीजन है समस्तीपुर। यहाँ पर जो तीन रेलवे रूट आ रहा है, पहले वह जान ले हैं, तब उसके बाद लेके चलेंगे आपको सरायगढ़ से फारबिसगंज की तरफ। यह चांद पीपर हाल्ट की तरफ से जो रेलवे लाइन आ रहा है, यह रेलवे लाइन सहरसा जंक्शन की तरफ से आ रहा है। ये जो लाल वाला आप देख रहे हैं, ये नया कंस्ट्रक्शन रेल लाइन बन रहा है। यह जो है आसनपुर कुपहा होते निर्मली झंझारपुर की तरफ जा रहा है। और ये वाला रेलवे रूट जो आगे की ओर जा रहा है सरायगढ़ से, जो नारायणपुर मुरली हाल्ट है, यह रेलवे लाइन आपको जा रहा है फारबिसगंज की तरफ। सरायगढ़ जंक्शन से जो ये चांद पीपर हाल्ट की तरफ यानी सहरसा की तरफ जा रहा है, तो सरायगढ़ जंक्शन से सहरसा तक जो है रेलवे लाइन बनकर तैयार है, जिसमें सुपौल तक जो है ट्रेन चल रही है। और साथ ही इस रूट पर जो है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो है वह काम चल रहा है। और इधर जो है सरायगढ़ जंक्शन से जो आसनपुर कुपहा तक जो है यानी कोसी नदी के उस पार तक जो है मालगाड़ी जा चुकी है, तो ये रूट जो है बहुत जल्द ये भी कंप्लीट हो जाएगा निर्मली तक। तो चलिए आपको लेके चलते हैं फारबिसगंज की तरफ। जैसे ही सरायगढ़ से आगे बढ़ेंगे तो नारायणपुर मुरली हाल्ट, यहाँ जो है राघोपुर है उसके बाद। तो इस रूट पर जो है सरायगढ़ से राघोपुर तक जो है मालगाड़ी जो है इंजन आ चुका है यहाँ तक। राघोपुर से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो प्रतापगंज रेलवे स्टेशन मिलेगा। जब आप इस रूट पर अगर जाएंगे ट्रेन से तब आपको ये सब स्टेशन मिलेगा। उसके बाद जो यहाँ पर ललित ग्राम है, ललित ग्राम के पास जो है यहाँ पर अगर बाईपास बन जाएगा तब सीधा रास्ता हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर ललित ग्राम होकर के ट्रेन गई फारबिसगंज तो यहाँ पर इंजन जो है रिवर्सल करना पड़ेगा। हो सकता है रेलवे द्वारा यहाँ पर बाईपास बनाया जाए। तो ललित ग्राम से आगे जैसे ही बढ़ेंगे नरपतगंज आएगा। नरपतगंज से जैसे ही आगे फिर बढ़ेंगे, छोटा कर लेते हैं तब आपको समझ में आएगा, फारबिसगंज जंक्शन पहुंच जाएंगे। फारबिसगंज पर जो ये बतनाहा की तरफ रेलवे लाइन जा रहा है, ये जोगबनी की तरफ जा रहा है। और ये रेलवे लाइन जो ढोलबाजा की तरफ जा रहा है, यह रेलवे लाइन आपको जा रहा है अररिया होते हुए पूर्णिया की तरफ। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारा रूट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ एक बार फिर।